नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक संघर्ष का किया आह्वान। प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें अधिवेशन को करेंगे संबोधन। राज्य के स्कूली शिक्षा संस्थानों के प्रमुखों का पहला सम्मेलन राज्य विधानसभा सचिवालय के दोर्जी खांडू सभागार में शुरू। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर हो रहा है मंथन। राज्यपाल डॉ. बी डी मिश्रा ने राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश नेशनल कैडेट कोर बटालियन के स्वच्छता पखवाड़ा रिले साइकिल रैली का किया शुभारंभ। एनसीसी के कैडेट इटानगर से विश्वनाथ चराली तक लोगों को स्वच्छता के बारे में करेंगे जागरूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और इससे बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ निर्णायक संघर्ष का आह्वान किया है। अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में ऐतिहासिक हाउडी मोदी कार्यक्रम में करीब 50,000 भारतवासियों को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति ट्रंप भी विशेष मैत्र सद्भाव के तौर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। किसी भी देश का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद को सह और समर्थन देने के पीछे किसका हाथ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूती के साथ खड़े हैं। हाउडी मोदी आयोजन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति और सभी सीनेटर्स की उपस्थिति और भारत की प्रगति की चर्चा 130 करोड़ भारतीयों की उपलब्धि है। श्री मोदी ने कहा कि देश न केवल परिवर्तन क्रम में है बल्कि वो चुनौतियों का सामना करते हुए 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री आज न्यूयॉर्क में है और वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें अधिवेशन को संबोधित करेंगे। साथियों, आज भारत पहले के मुकाबले और तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है। भारत अपने यहां जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है। इन लोगों ने भारत के प्रति नफरत को ही अपनी राजनीति का केंद्र बना दिया है। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं। साथियों, अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। हाउडी मोदी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कट्टर इस्लामी आतंकवाद का खात्मा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सीमा सुरक्षा अमेरिका और भारत दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंध मजबूत करने पर बल दिया। श्री ट्रंप ने इस वर्ष नवंबर के दोनों देशों की तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास की घोषणा की। ये इस तरह का पहला अभ्यास होगा। उन्होंने मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि इनसे लगभग 30 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है। मिस्टर प्रेसिडेंट, यू हैड इंट्रोड्यूस मी टू योर फैमिली इन 2017 एंड टुडे आई हैव द ऑनर to introduce you to my family.
Under Prime Minister Modi's leadership, the world is witnessing a strong, sovereign, and thriving Republic of India. In a single decade, with the help of Prime Minister Modi's pro-growth reforms, India has lifted nearly 300 million people out of poverty. And that is an incredible number. Indian Americans are pioneering groundbreaking medicines to save countless lives. They're developing revolutionary technology that is changing the world. And they're founding new businesses that provide jobs to thousands of our fellow citizens. Prime Minister Modi, I look forward to working with you to make our nations even more prosperous than ever before. We stand proudly in defense of liberty, and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. Border security is vital to the United States. Border security is vital to India. We understand that. राज्य के स्कूली शिक्षा संस्थानों के प्रमुखों का पहला सम्मेलन आज राज्य विधानसभा सचिवालय के दोरजी खांडू सभागार में शुरू हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, शिक्षा सचिव मधुरानी तेवतिया, राजीव गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति साकेत कुशवाहा और प्रदेश के स्कूलों के प्रमुख मौजूद थे। इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन देने के बावजूद परीक्षाओं में खराब परिणाम चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को सभी हितधारकों के साथ मिलकर एक ऐसी कारगर नीति तैयार करनी होगी जिससे प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके और विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े। इसका कारण किस वजह से ये रिजल्ट जो है हम लोगों का परफॉर्मेंस इतना पुअर होते जा रहा है? इंसेंटिव्स वाइज अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट टीचर्स का जो सैलरी है, जो पक्ष है, वो तो सबसे टॉप में है, मगर आज के दिन में भी क्यों एक फैमिली का एक लड़का जो फैमिली लोग गवर्नमेंट स्कूल में भेजने का वजह से उसको छोड़ के प्राइवेट इंस्टीट्यूट या कोई एनजीओ का इंस्टीट्यूट में क्यों वो लोग ऑप्ट कर रहा है? मैं ये मानता हूँ कि हमारा खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स का हो चाहे ऑफिस का हो वो कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो पुराने जो स्कूल्स है उस जमाने का है जो हमारा यूडी टाइम्स का। ईटानगर में स्कूली शिक्षा संस्थानों के प्रमुखों को सम्मेलन में संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने कहा कि सामाजिक संगठनों और शिक्षा विभाग को मिलकर विद्यालयों का विकास करना होगा। इस अवसर पर शिक्षा सचिव मधुरानी तेवतिया ने कहा कि मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और विद्यालयों के प्रमुखों की बैठक से समस्याओं को सुलझाने और शिक्षा के सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने में मदद मिलेगी। राजीव गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति साकेत कुशवाहा ने भी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षकों का समय से प्रमोशन और उनकी आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज रेस्टोर्ड स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 5 एंड क्लास 8 अलोंग विद ऑल एंटर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज फर्दर इंट्रोड्यूस्ड प्री बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10 एंड क्लास 12 फॉर academic seriousness of the student under CBSE, AICSE examinations. These board examinations will be conducted in the month of December every year. Only those students who secure 33% and above, along with 75% attendance, will be allowed to sit for the final exam. The Department of Education ki ye head of school conference aane wale varshon mein July maah ka annual calendar event hoga, जिससे कि जैसे ही सीबीएसई रिजल्ट मई और जून में घोषित हों हम साथ बैठें और आकलन कर आगामी स्ट्रेटेजी बनाएं, तथा आरटीई एक्ट आने के बाद चैलेंजेस भी काफी आए हैं। हेड ऑफ स्कूल किसी वैक्यूम में नहीं अपितु एक इम्पैक्टफुल इकोसिस्टम में कार्य करते हैं। परिवर्तन के दौर में बच्चों के लिए बहुत कुछ नया करने का अवसर है, बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और बेहतर मंच प्रदान करने की। शिक्षा दो तरीके की धाराएं हैं, एक प्राइवेट स्कूल बढ़ाने की धारा है और एक सरकारी स्कूलों की धारा है।
कम से कम अरुणाचल प्रदेश में मैंने ये अवश्य देखा है कि यहाँ पे शिक्षा के लिए पूर्ण रूप से लोग जागृत हैं और ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में फर्ज बनता है कि हम अपनी सही समुचित आकांक्षाओं को, डिमांड को सही तरीके से सरकार तक पहुंचाएं। और सरकार से भी मेरा ये निवेदन होगा कि पदों को भरने की और प्रमोशन की प्रक्रिया को जल्दी किया जाए। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने आज राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश नेशनल कैडेट कोर बटालियन के स्वच्छता पखवाड़ा रिले साइकिल रैली का शुभारंभ किया। एनसीसी के कैडेट ईटानगर से असम के गोहपुर होते हुए विश्वनाथ चाराली तक स्थानीय लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करेंगे। इस अवसर पर राज्यपाल ने कैडेट को अपने अंदर एकता, देशभक्ति और अनुशासन की भावना बनाए रखने का सुझाव दिया। श्री मिश्रा ने उन्हें सभी सामाजिक कार्यक्रमों में सफल बनाने के लिए भाग लेने को कहा। यह जो स्वच्छता अभियान चला है हमारे प्रधानमंत्री जी का, लेकिन यह प्रोग्राम सिर्फ दिल्ली से नहीं होगा, तो यह तब सक्सेसफुल होगा जब आप लोग समझेंगे। और यह जो आपका स्वच्छता अभियान का जो साइकिल रैली आप शुरू कर रहे हैं, यह मैसेज है। आप लोग सब एम्बेसडर मैसेंजर, क्योंकि आप जहां जहां से जाओगे आपको लोग देखेंगे, वो भी समझेंगे हाँ एक रिक्वायरमेंट है। आपको माइंड सेट चेंज करना है, सब कुछ यहाँ माइंड से होता है। अगर पूरा भारतवर्ष 130 करोड़ लोग डिसाइड कर लें कि हमारा देश, हमारा शहर, हमारा गांव, हमारे गली कूचे साफ रहे, तो साफ। आयुष्मान भारत योजना को लागू हुए आज एक साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम के तहत ईस्ट सियांग जिला मुख्यालय के पासीघाट चौक से बीपी जनरल अस्पताल तक एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली का शुभारंभ जिला उपायुक्त किन्नी सिंह ने किया। रैली में जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, स्वास्थ्य कर्मियों, छात्रों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। बाद में आयुष्मान भारत बैठक को संबोधित करते हुए सुश्री किन्नी सिंह ने कहा कि जिले के दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों को भी आयुष्मान भारत योजना के लाभ के बारे में जागरूक करना जरूरी है। आयुष्मान भारत इज अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, लाइफस्टाइल डिजीजेस, एंड ये एक तरीके का अवेयरनेस है आप सबको कि आप बेसिकली एक्सरसाइज करें एंड सही डाइट लें, तो उससे हम बहुत तरीके तक अपना लाइफस्टाइल डिजीजेस इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके दो कंपोनेंट हैं आयुष्मान भारत की, एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और दूसरा जैसे कि डीआरसी जो साहब ने बताया है इंश्योरेंस। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आर अबाउट स्क्रीनिंग ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। आजकल कम्युनिकेबल से ज़्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ज़्यादा हो रही हैं बिकॉज ऑफ आर लाइफस्टाइल। असम के शिवसागर जिले में एक सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। इस घायल को डिब्रूगढ़ में असम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। दुर्घटना दिमाव पुलिस थाना क्षेत्र में हुई जब यात्रियों को ले जा रहे वाहन को आमने सामने की टक्कर हो गई। एक वाहन सड़क के किनारे खाई में गिर गया। असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने इस दुर्घटना में हुई मौतों पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घायल के उचित इलाज के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। इधर ईस्ट सियांग जिले के लेकू में भी बीती रात एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पासीघाट से दिमापुर जा रहे बस से एक बाइक के टकराने से बाइक में सवार 3 लोगों में से 2 की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को अस्पताल को भर्ती कराया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार मार्च 2021 में व्यापक जनगणना कार्यक्रम पूरा कर लेगी और पहली बार राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर NPR तैयार किया जाएगा। नई दिल्ली में मानसिंह रोड पर आज जनगणना भवन की आधारशिला रखते हुए श्री शाह ने कहा है कि पहली बार जनगणना को हर व्यक्ति के विकास का आधार बनाया जाएगा और देश का भविष्य भी इसी से तय होगा। श्री शाह ने लोगों को गणना में महत्व, उसकी भूमिका और विभिन्न आयामों के प्रति जागरूक बनाने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा है कि अब तक की सबसे बड़ी 2021 की जनगणना में मोबाइल ऐप इस्तेमाल किए जाएंगे और इस डिजिटल प्रक्रिया में कागज़ का कम से कम इस्तेमाल होगा। ऐप का भी
प्रयोग करेंगे और मैं इसको एक अलग तरीके से भी कहना चाहता हूं कि पेपर सेंसस से डिजिटल सेंसस का ट्रांसफॉर्मेशन का काम 2021 की जनगणना के बाद समाप्त होगा। बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है। हम जनगणना के अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।